नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबर की ओर। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के भक्तों ने विशाल माता पिता पूजन दिवस का आयोजन संत श्री आशाराम जी बापू जी गुरुकुल गांधीनगर भोपाल में किया गया। भोपाल भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवतुल्य स्थान दिया गया है। पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव से बच्चों को बचाने के लिए एवं अपने माता पिता के प्रति आदर भाव प्रकट करने हेतु लोकहितकारी पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने वर्ष 2007 में 14 फरवरी के दिन मातृपितृ पूजन दिवस मनाने की शुरुआत की। अब यह दिवस विश्वव्यापी हो चुका है। इससे अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा स्कूल, कॉलेज, आश्रम, मंदिर, कॉलोनी आदि अनेक स्थानों पर व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति भाव विभोर हो जाते हैं एवं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। संत आसाराम बापू के साधकों द्वारा मातृपितृ पूजन कार्यक्रम 14 फरवरी से एक माह पूर्व ही प्रारंभ कर दिया जाता है, जिसे अनेक स्कूलों एवं कॉलोनियों में आयोजित किया जाता है। 14 फरवरी को बापू के प्रत्येक आश्रम में या किसी सार्वजनिक स्थानों पर समितियों द्वारा मातृपितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जय किशन जी लाल चांदनी एवं लक्ष्मण जी राजपूत पार्षद वार्ड क्रमांक 1 नरेश ज्ञानचंदानी वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम गणेश पूजन, दीप पूजन, सरस्वती वंदना एवं गुरुकुल के बच्चों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम, कराटे प्रोग्राम, फिर माता पिता का विद्यार्थियों के द्वारा पूजन किया गया। माता पिता बच्चे एकदम वाह विभोर हो गए। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में माता पिता और बच्चों ने भाग लिया। परम पूज्य गुरुदेव बापू जी की आरती के द्वारा कार्यक्रम का समापन किया गया। ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पे आने का मौका मिला और ऐसे ही कार्यक्रम हमारे धर्म की जागृति के लिए होते रहना चाहिए। और ये जो आज मीडिया वाले भाई, हमारे कार्यक्रम मातृपितृ पूजन दिवस का प्रचार कर रहे हैं। बच्चों में प्रेरणा देखिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ये अभी अपनी संस्कृति, क्योंकि आजकल जो मोबाइल की वजह से बच्चे बहुत कुछ भूल गए हैं, तो ये ऐसे प्रोग्रामों से बच्चों में एक उत्साह होता है, उनको जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलती है और यही जो बचपन होता है इसी में सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है। और ये बहुत अच्छा जी, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैं यहाँ के आके जो देखा, क्योंकि इसके पहले कभी आने का मेरे को सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, इस बार जो भाई साहब ने मुझे यहाँ बुलाया और इतना अच्छा कार्यक्रम जो मैं शुरू से देख रहा हूँ, बच्चों में इतनी अच्छी उत्साह और इतना प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, इतने मतलब दूसरे स्कूलों में भी जाते हैं अपन, मैं बहुत सारे अभी जब से पार्षद बना तो स्कूलों में जाता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे एक सभ्यता और एक बहुत अच्छी जो धर्म के नाम पे जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है। सर नाम विश्राम सिंह मीणा, विश्व हिंदू परिषद विभाग समरसता प्रमुख। मीणा जी, आज जो आयोजन हुआ, लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे यहाँ आश्रम बापू आश्रम में, मातृ पूजन रखा गया है, दोनों में क्या अंतर दिखता है? ये मातृपुत्र दिवस के रूप में जो कार्यक्रम का आज आयोजन हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे संस्कारित हो रहे हैं और ये 14 फरवरी के जो दिन है वो वैलेंटाइन डे के रूप में यहाँ की जो नई युवा पीढ़ी वो मनाती आ रही है, उसको उसका दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए आज जो है गुरुकुल, जो कि बापू जी के आश्रम में एक स्कूल चलता है, उनके बच्चों द्वारा ये मातृपितृ पूजन दिवस ये प्रेरणा देता है कि छोटे छोटे बच्चे जहाँ से विद्या शुरू होती है वो संस्कारित हो और कहीं ना कहीं माता पिता का जो सम्मान है वो कम ना हो, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि संपूर्ण भारत में एक हिंदू समाज को नई प्रेरणा देता है ये कार्यक्रम, इससे हमारे बच्चे लाभान्वित होते हैं और बहुत अच्छा उनको सीखने का जो अवसर मिलता है। आज यहाँ पे ये कार्यक्रम का जो आयोजन यहाँ के संस्थापक द्वारा, सभी कर्मचारियों के द्वारा किया गया है, उसमें एक नई दिशा निर्देश बच्चों को मिलती है। फिलहाल इतना ही, खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस 24 न्यूज। नमस्कार।